यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे अखिलेश का गठबंधन संदेश। जी हाँ, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन ये नहीं साफ किया कि कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस फूलपुर की सीट चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मिल्कीपुर भी सीट चाह रही थी, वहां भी आपको बता दें कि ऐलान कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एसपी कांग्रेस को कोई अन्य सीट देगी। अखिलेश ने 6 उम्मीदवार तय करने के बाद कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश का गठबंधन संदेश कांग्रेस से क्लेश तो नहीं है। देखिए रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। वोटों का बंटवारा रोकना चाहिए। अगर हमें जो लोकसभा में फायदा हुआ है वैसा ही फायदा लेना है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। अभी तो हुई था पार्लियामेंट, अभी तो कांग्रेस पे निर्भर करता है। जहां जो जैसा हो ग्राउंड पे, उस रियलिटी को सोच के अगर साथ रहेगा तो हमेशा गठबंधन बना रहेगा। संगठन को मजबूत किया जा रहा है। आगामी चुनाव में हम सबका लक्ष्य भाजपा हरा हो। चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतेगी। तो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना, आप समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का देखोगे तो आपको सब चीजें दिख जाए। तो चलिए, इस बीच आपको ये भी खबर बता दें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, सभी सीटों पर गठबंधन की जीत होगी। अखिलेश यादव ने कहा एसपी कांग्रेस गठबंधन बना रहेगा, बची हुई सीटों पर बातचीत करके विचार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस बीच ये भी खबर है, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन बना रहेगा, सभी सीटों पर गठबंधन की जीत होगी। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। तो चलिए, हमारे आज मेहमान जुड़ गए, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ केबी त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, आशीष चतुर्वेदी जी सपा की तरफ से रहेंगे और विनम्र सेन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरा त्रिपाठी जी आपसे सवाल है। त्रिपाठी साहब, ये तो मान लीजिए एक तो 5 सीटें आपको नहीं मिलेंगी, दूसरा आपको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी और आपको बैकफुट पर रहना पड़ेगा, फ्रंट पर खेलेंगे अखिलेश यादव, तैयार हैं? सुना अखिलेश जी का, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अभी बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा। तो कहीं भी जहां राजनीति में विचार की गुंजाइश है और बातचीत की गुंजाइश है, वहां हम अभी चीजों को स्वीकार स्वीकार जैसी बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस निश्चित तौर पर बड़ा दिल दिखा रही है और कांग्रेस चाहती है कि जो हमारी लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, भाजपा बड़ा दिल कहां दिखाएंगे, कुछ हो तभी ना आपके हाथ में। शर्मा जी, आपके तय करने से ये तय नहीं होगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये लोकतंत्र है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हर जगह चुनौती दे रही है। माफ कीजिएगा सर, आप बताइए, आप कांग्रेस को, आप सपा को दे रहे हैं या आप सपा से लेंगे, आप ये बताइए ना, फिर पता चल जाएगी आपकी स्थिति क्या है। सपा आपको देगी तभी तो आप लड़ेंगे ना। दोनों पार्टियां साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा उद्देश्य है। यहां पर राजनीति में इतना संकीर्ण होके नहीं सोचा जाता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती है, दंभ की भरी हुई, घमंड की भरी हुई राजनीति कि हम दे रहे हैं हम ले रहे हैं। अरे भाई, जनता के सामने हम अपनी चीजों को लेकर जा रहे हैं, अपने एजेंडे को लेकर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमारी सहयोगी समाजवादी पार्टी है। शरद जी कैसे देखते हैं इनका गठबंधन? परवान तो चढ़ेगा लेकिन शर्तें होंगी अखिलेश यादव की।
शर्मा जी देखिए, अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा दिल जो है बहुत बड़ा एक बीमारी है मेडिकल साइंस में, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता तुरंत तो उसका ऑपरेशन किया जाता है उसकी जान बचाने के लिए। तो अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती है तो कांग्रेस का ऑपरेशन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस साफ हो जाएगी, जो कि वैसे भी नहीं है। पिछले 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है। अगर समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाती है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। कांग्रेस की मजबूरी है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ नहीं बचाती है बनाती है तो कांग्रेस जो है वो केंद्र में आने की कोई उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी को जो है उन्हें भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि सेकुलर वोट को साधना है। दोनों की समस्या जो है वो सिर्फ सेकुलर वोट है। तो अगर कांग्रेस आती उत्तर प्रदेश में तो सपा का सेकुलर वोट कांग्रेस के पास चला जाएगा। अगर सपा जो है सेकुलर वोट को बचा के रखती तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें ये दोनों की समस्या है कि कौन अपना अस्तित्व खत्म करने को तैयार है। आ तो गए दोनों लोग, लेकिन जो कहते हैं ना, ना तो ये खाते बन रहा है ना इनके उगलते बन रहा है। शरद जी, अगर गठबंधन होता तो आप लोगों के लिए सिरदर्दी है ना, तो चुनौती बनेगी, फाइट होगी फिर। नहीं, हम तो, और गठबंधन नहीं होता तो फिर दिक्कत होगी भाई। कांग्रेस के उम्मीदवार को भी लाइए ना स्क्रीन पर जी। नहीं नहीं, देखिए जितनी तरह के गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन सकते थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब कोई नया गठबंधन नहीं बनने जा रहा है। और अभी सपा ने पहले ही ये साबित कर दिया है, कल की इन्होंने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब बात करेंगे। गठबंधन तो ये होता है कि पहले बात होती फिर सीटें डिक्लेयर की जाती है। तो ये गठबंधन जो है वो बना हुआ है, सीटें पहले डिक्लेयर कर दी है और 4 सीटों पर वो कह रहे हैं कि अब इस पर हम बातचीत करेंगे कि किसको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो ये दोनों के अस्तित्व का सवाल है। और इनकी हैसियत के हिसाब से तो हो रहा है ना, फिर इनकी हैसियत के हिसाब से देंगे ना फिर वो। हाँ, तो वही जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये बड़ा दिल दिखाएंगे, तो दिल तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपके दिल में कोई जगह नहीं है। ठीक है मेजर साहब, ही कौन दिल बड़ा दिखाएगा ये बड़ी बात। मैं आ रहा हूँ मेजर साहब जुड़ गए, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेजर साहब, चर्चा हो रही है गठबंधन, अब गठबंधन होगा ये तो लग रहा है कि हो जाएगा, चलिए हम इस पर ना चर्चा करें, गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन हो रहा है लेकिन शर्तें आपकी होंगी, इन्हें आप इनको आपके पीछे चलना पड़ेगा, मैं सही कह रहा हूं सर? देखिए, चलना पीछे पड़ेगा नहीं, वैसे चलना उनको साथ में है, पीछे नहीं चलना है, साथ में चलना है। लेकिन ये है कि एक गठबंधन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, जो कि हम लोग बनाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। और बावजूद इसके कि जब हमको मध्य प्रदेश, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में कोई सीट नहीं दी गई कांग्रेस के द्वारा, उसके बावजूद हमने, क्योंकि गठबंधन हमने किया, तो उसकी मर्यादा को हम निभा रहे हैं और हम आगे भी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सार्वजनिक पटल पे ऐसी बात रखते हैं जिससे मैं समझता हूँ कि गठबंधन पे जो है कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी उनसे खुश नहीं होगा, मैं समझता हूँ। बाकी बातें जो बंद कमरे में होनी चाहिए। फिर तो सर, बड़ा दिल आप दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता है के बी त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं हम बड़ा दिल दिखा देंगे। तो अच्छी बात है, अगर कोई अगर अपने दिल बड़ा दिल दिखाता है तो ये तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। त्रिपाठी जी, एक रिएक्शन आपसे जल्दी से, एक छोटा सा रिएक्शन। तो अगर आपको, क्योंकि 2 सीटों पर माना जा रहा है, ये खबरें अंदर खाने, सिर्फ आपको 2 मिलेंगी, संतुष्ट हो जाएंगे त्रिपाठी जी, बड़ा दिल दिखाएंगे 2 सीटों पर ही? शर्मा जी, ये निर्णय हमारे लेने का नहीं है, ना मेजर आशीष जी के लेने का निर्णय है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश जी में बातचीत होगी और जो निर्णय होगा खड़गे साहब त्रिपाठी जी, निर्णय अगर आला कमान को करना है तो आपके नेता क्यों डिमांड कर रहे हैं? आशीष जी वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह की बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर तैयार करें, कांग्रेस के नेता डिमांड कर रहे हैं 5 सीटें चाहिए, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं हमें मिल्कीपुर और फूलपुर चाहिए, तो ये तो आपकी तरफ से डिमांड आ रही है ना सर? नहीं, तो राजनीति में डिमांड की जाती है शर्मा जी, कोई गलत काम नहीं है। राजनीति में हम वोट भी मांगते हैं, जनता के सामने भी जाते हैं, अपना प्रयास भी करते हैं और राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। अखिलेश जी ने अभी साफ साफ बोला है कि विचार होगा, बातचीत होगी। हाँ, बातचीत होगी, हो सकता है वो हमें 5 सीटें देने को तैयार हो जाए, इसमें कौन सी दिक्कत है? मुझे नहीं लग रहा कि बैठ जाएंगे। चलिए, विनम्र सेन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सेन साहब, आपको क्या लग रहा है? गठबंधन तो लग रहा है क्योंकि अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं, लेकिन
अखिलेश यादव की शर्तों के आगे झुकना पड़ेगा कांग्रेस को यहाँ? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये गठबंधन तो होगा ही और हो जाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन ये गठबंधन कैसा होगा, अभी आशीष जी ने जो बात कही मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा जहां कांग्रेस ताकतवर है, राजस्थान में जहां कांग्रेस ताकतवर है वहां गठबंधन नहीं करेगी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया लेकिन समाजवादी पार्टी को कहीं स्थान नहीं मिला। तो अगर बड़ा दिल दिखाने की बात है तो बड़ा दिल तो तब होता जब मध्य प्रदेश में भी 6 सीट दे देते, हरियाणा में भी कम से कम 1 सीट दे देते, जम्मू कश्मीर में भी कम से कम चलो हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, यहाँ आपका जनाधार नहीं है फिर भी हम आपको सीट दे रहे हैं। देखिए वास्तविकता यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बड़ा दिल हम दिखाएंगे, आवश्यकता इस बात की है कि कहने में नहीं, उस बड़े दिल को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को अब कांग्रेस अगर चाहती है कि फिर से उत्तर प्रदेश में रिवाइव करे, फिर से मध्य प्रदेश में रिवाइव करे, फिर से देश की राजनीति में रिवाइव करे, तो उसको सच में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तब जाके वह भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएगी। वो दिखावटी एकजुटता से काम बनने वाला नहीं है, वो दिखावटी एकजुटता से कोई राजनीतिक हल निकलने वाला नहीं है। इसलिए और एकजुटता को अपने को सच में थोड़ा बैक करना पड़ेगा और लोगों को अवसर दे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर मान लीजिए 6 के बाद 4 की 4 सीट अगर कांग्रेस को दे दी समाजवादी पार्टी, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं नतीजा क्या होगा। मेरा सवाल है, हम चर्चा गठबंधन पर कर रहे हैं, ठीक है लोकसभा में आप लोगों को मोदी को हटाना था, आपने नारा दिया इसलिए हो गए, लेकिन क्या डर लगा हुआ है क्या बीजेपी से आप लोगों को आशीष जी, कि बिना कांग्रेस के आप इनको हरा नहीं सकते? वाकई में डर है क्योंकि आप तो बड़े पार्टी हैं, आपकी तो लोकसभा में सीटें भी बढ़ी, फिर ये डर क्यों और फिर ये गठबंधन क्यों? देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया, उन्होंने भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया। ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन कर रहे हैं। सर वो ललायत नहीं है आशीष जी, वो ललायत नहीं है। देखिए वो तो एक बात होती है कि मीडिया में किस बात पे, किस गठबंधन पे ज्यादा चर्चा हो रही है। अभी आप देखिए ओपी राजभर थे, वो भी पीछे पीछे घूम रहे थे कि मंत्री बना दो। तो बहुत सी चीजें हैं जो वहां पे भी चर्चा का विषय बन सकती थी, बहरहाल बनी नहीं किन्हीं भी कारणों से। लेकिन गठबंधन देखिए दोनों ही पक्ष चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए या इंडिया गठबंधन कह ले, ठीक है, आपको डर लग रहा है कि अकेले दम पर इनको हरा नहीं पाएंगे क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से केपेबल है और हमारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बड़ी है, वोट परसेंटेज हमारा बड़ा है और कुछ गलतियां जो हमसे हुई हैं वो हमने सीखी हैं और उनसे हम उनका सुधार भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर एक गठबंधन हमने किया है तो हम उसकी मर्यादा को निभाते हैं और हमने हरेक के साथ निभाया, चाहे बसपा हो, राष्ट्रीय लोकदल हो। शरद जी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि गठबंधन ठीक है होगा, शर्तें होंगी उनके, ठीक है गठबंधन के अंदर अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, जो पार्टी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से सीट भी मिल जाएगी, लेकिन ये गठबंधन इतना जरूरी क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों पार्टियां ललायत है, कांग्रेस तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव भी इनको इग्नोर कर रहे जबकि इनको अनदेखा किया गया हरियाणा में, खुद कह रहे हैं इनको अनदेखा किया गया जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में दरवाजे के चक्कर लगाते रहे क्योंकि आपके बीजेपी के लोग कहते हैं कि इनके रात रात भर इनके उम्मीदवार इंतजार में बैठे रहे कि हमको टिकट मिल जाए मध्य प्रदेश में, बावजूद इसके जहां ये ताकतवर पार्टी है ये भी ललायत है कांग्रेस से। शर्मा जी देखिए मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भारत की सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारी जो दिल्ली का रास्ता है सब आपको भी पता है, सब जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश में समस्या है कि जो एक पार्टी कांग्रेस है उसके दो जातियां और एक धर्म उनका था कोर वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का एक धर्म और एक जाति कोर वोट बैंक है। तो जाति जो है वो तो शिफ्ट होने वाली नहीं है, लेकिन ये जो सेकुलर वोट है जिसके पीछे दोनों पड़े हुए हैं वो स्प्लिट ना हो जाए, वो टूटे ना। और इनकी और इन राज्यों में जहां कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना तो उन्होंने नहीं दिखाया, समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी। कल ही उन्होंने 6 सीटों पे अनाउंस कर दिया कि साहब यहां हमारे कैंडिडेट है, बाकी 4 सीटों पे बातचीत होगी, तो बाकी 4 सीटों में भी कितने दिया जाएगा वो समाजवादी पार्टी तय करेगी। और उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम बड़े चौधरी हैं, हमने पहले तय कर लिया कि 6 सीटें तो हम ले ही रहे हैं, अब बाकी 4 सीटों तो इसमें बिल्कुल साफ। शरद जी एक होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े तो यही कह रहे हैं अभी के।
नहीं नहीं लोकसभा तो देखिए हमारी कुछ गलतियां थी, हम मानते हैं उन गलतियों को हमने सुधार लिया, जिसका नतीजा आपने हरियाणा में देख लिया, जहां कांग्रेस को पिछली बार 5 सीटें मिली थी, आज कांग्रेस सत्ता से पूरी तरह बाहर है और कोई आने की उनकी उम्मीद नहीं है। हमने अपनी गलतियां सुधार ली। समस्या है कि सपा और कांग्रेस के बीच में ये जो गठबंधन है, ये सांपनाथ नागनाथ का है कि कौन किसको खा जाएगा, तो इसमें ये दोनों को अपना अस्तित्व बचाना है और इसके लिए ये, हालांकि समाजवादी पार्टी को कायदे से कांग्रेस को नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अकोमोडेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ी तो सेकुलर वोट कांग्रेस की तरफ चला जाएगा और सपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस की समस्या है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में पार्टी जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या आप? ये शरद जी तो यही कह रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, वजह से ये टूटेंगे। शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं उससे तो यही दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिनों बाद अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि जिन जिन के साथ गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, अभी बड़ी होशियारी से उन्होंने कह दिया कि कोई मांग नहीं रहा। निषाद पार्टी क्या मांग रही है, जयंत चौधरी क्या मांग रहे हैं, जयंत चौधरी पश्चिम में उनकी पार्टी, हरियाणा में टिकट चाह रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया और हरियाणा में उनको सीटें दी? जयंत चौधरी की अपनी नाराजगी है, ओम प्रकाश राजभर की अपनी नाराजगी है, निषाद पार्टी अलग दो सीटों की मांग कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अंतर्कलह जो चल रही है, आपने कल देखा लखीमपुर खीरी में विधायक जी पिट गए रोड पे चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी की अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी अंतर्कलह है, भारतीय जनता पार्टी में खुद भी अंतर्कलह है, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी तय ही नहीं कर पा रहे, उसी में पाठक जी भी लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी हमें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को देखे और समझे, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की राजनीति कर रही है तो ठीक से कर रही है और साथ में सभी इंडिया गठबंधन के दल हमारा साथ दे रहे हैं। त्रिपाठी जी अभी इनके हौसले बुलंद हैं, हरियाणा में देखिए जीत कर आए, रिकॉर्ड बना रहे, हैट्रिक बनाई है, आए हैं वो भी सबको पता है, इलेक्शन कमीशन को भी हमने बताया है, वोट परसेंटेज में हमारा और भारतीय जनता पार्टी का 1% का भी अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग करके अगर जो कुछ सीटें बढ़ा लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो इसको पूरा देश देख रहा है और आज पूरे देश की जनता कह रही है। शरद जी ऐसे ही करते हैं क्या? फिर तो उपचुनाव में तो इनकी सत्ता है, फिर तो आप इन्हें जीतने ही नहीं देंगे आप? नहीं देखिए, जनता जम्मू कश्मीर में, शरद जी देखिए जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की वहां एजेंसियां वहां भी काम कर रही हैं, तो वहां कांग्रेस की कैसे सरकार बनने जा रही है एनसीपी के साथ? अगर लेकिन समस्या ये है कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस चुनाव में शायद ये ईवीएम मशीन का रोना जो है वो खत्म हो गया होगा, लेकिन इनको ये है कि साहब ये जहां हारे हैं वहां ईवीएम मशीन ठीक है खराब है और जहां जीते हैं वहां ईवीएम मशीन खराब है, तो ये जो कहानी ये गढ़ रहे हैं ये जनता देख चुकी है। सपा ने भी पिछले चुनाव में ये कहा था कि साहब उत्तर प्रदेश में जो है 19 के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश में 20,000 वोट इनके काटे गए हैं, तो और जो ईवीएम मशीन खराब है, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमको लिस्ट दीजिए कौन से 20,000 वोट आपके किस जिले से काटे गए हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ईवीएम मशीन की हैकिंग के लिए उन्होंने कहा आप आइए हमारे सामने हैक करके दिखाइए, उसमें कोई तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि जहां जीतते वहां ईवीएम मशीन एक तरह से काम करती है और जहां हारते वहां दूसरी तरह से काम करती है, तो ये जनता देख चुकी है। और ये एक बार जो काट की हांडी इन्होंने पिछले चुनाव में चढ़ाई थी दो फॉल्स नैरेटिव सेट करके कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी और जो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वो भी कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये फड़फड़ा रहे हैं कि हमको सेकुलर वोट को कैसे साधे, क्योंकि एक वही उम्मीद की किरण। विनम सेन जी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां, ये मैं थोड़ा सा वजह समझना चाह रहा हूँ, वो सवाल मेरा मेजर साहब से भी था, वो त्रिपाठी साहब से भी था, कि आपको लग रहा है कि ये लड़ाई, क्योंकि लोकसभा में ठीक था, लोकसभा का माहौल था कि ये 400 पार का नारा दे रहे थे, हवा थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी का मॉरल हाई है, कांग्रेस का भी मॉरल हाई है, और यूपी में फिर भी एक डर क्यों है? फिर भी क्यों अखिलेश यादव चाहते हैं कि भाई कांग्रेस से गठबंधन हो? ठीक है आप गठबंधन धर्म निभा रहे, लेकिन क्या क्यों चाहते हैं? क्या वाकई में लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर नहीं ले पाएंगे? दोनों हर पार्टी एक दूसरे के आंतरिक हकीकत से वाकिफ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं कि कैसे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, किस भारतीय जनता पार्टी के किस अंतर कलह का लाभ
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी के किस चुनावी मिसमैनेजमेंट का लाभ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला? टिकट नहीं बदले गए और दिल्ली और लखनऊ के आंतरिक खींचातानी, इन सारे मामलों को के कारण लोकसभा के चुनाव में पटकनी खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। कहीं इनको ये भय है कि कहीं क्या ये सूत्र अगर दुरुस्त हो गए, क्या इन कमियों पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सच में काम कर लिया होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर 2027 के चुनाव के पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले इस उपचुनाव में हमारी कलई खुल जाएगी कि वो तो हमने अंधेरे में गुल्लर खा ली, तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए वो बड़े सतर्कता विनम साहब, ये जो देखिए छह उम्मीदवार बिना कांग्रेस से बात किए उतार देना, कांग्रेस 5 की डिमांड कर रही है, कांग्रेस मनचाही सीट चाह रही है, तो इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहें? जो हरियाणा में हार हुई उसकी प्रेशर पॉलिटिक्स है अखिलेश यादव की? बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स भी है और बदले की पॉलिटिक्स भी है। वो तो अखिलेश यादव ने ये बता दिया कि देखिए आप वहां ताकतवर थे, आपने हमारे साथ समझौता नहीं किया कि यहाँ हम अपनी मनमानी करेंगे, 6 से घोषित कर रहे हैं, इसके बाद 4 पे बात होगी, हम आपको कितनी देंगे उसमें भी 4 में। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है और बदले की भावना भी है जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और जायज भी है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से बहुत कहीं ज्यादा ताकतवर समाजवादी पार्टी। विजय साहब ये दो टूक क्यों नहीं कहते भैया, हम आपकी ताकत यहाँ कमजोर है और हम ताकत में मजबूत है, इसलिए जितनी लेनी है चुप ले लीजिए। ये त्रिपाठी जी को समझा क्यों नहीं देते? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये त्रिपाठी जी को समझा क्यों नहीं रहे आप लोग, क्योंकि डिमांड इनकी 5 की है भाई। ये जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका डिमांड करना उनका हक है, तो वो अपना हक निभा रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, और हमको जितना जो देना होगा, जो हम दे सकेंगे वो हम बता देंगे कि हम कितना दे पा रहे हैं, क्या जो परिस्थितियां हैं उनसे जो समन्वय बना करके हम बता देंगे। और हम लोगों ने एक चीज कन्वे भी करी है कि हम इन 10 सीटों में 2 सीटें अभी जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं देने के लिए, बाकी अगर और कुछ बातचीत होनी होगी, कोई गुंजाइश होगी, तो बातचीत के जरिए उसका नतीजा देखा जाएगा आगे कैसे निकलता है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोगों ने अपनी चीज किया। त्रिपाठी, दो मिलेंगे, दो खुश है या नहीं? देखो वो संकेत दे रहे हैं, मेजर साहब संकेत दे रहे हैं तो सही होंगे उनके, दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे आप देख लीजिए। मेजर साहब तय नहीं कर सकते, मेजर साहब भी ये बात जानते हैं। अरे सर, इनके समाजवादी पार्टी में बहुत तगड़ी पकड़ है, ऐसा नहीं है। आधिकारिक प्रवक्ता है, आधिकारिक प्रवक्ता है, राय है कि नहीं। अरे ये अखिलेश जी से सीधे संपर्क में सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। त्रिपाठी जी इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा नहीं देंगे आपको। शरद त्रिवेदी जी तय नहीं कर सकते हैं कि कितनी सीटें दे देंगे जयंत चौधरी जी को, कितनी निषाद पार्टी को, कितनी ओम प्रकाश राजभर को, ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व नहीं सर ये तय नहीं करेंगे, लेकिन इशारा कर देंगे। जैसे आपके लोग 5 चाह रहे हैं, वो इशारा करें भैया 2 देंगे हम। इशारा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हमारी 5 सीटों की डिमांड है और हम उस पर अभी बात कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी से हमारी बात हो रही है, होगी हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात होगी और उसके बाद निर्णय होगा। मुझे हाँ, हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है, उसके लिए हमें चाहे जो समझौता करना पड़े। इंडिया गठबंधन में हमारे साथी हैं, अखिलेश जी ने हरियाणा में हमारा साथ दिया, मध्य प्रदेश में हमारा साथ दिया, जम्मू कश्मीर में हमारा साथ दिया, तो उनके साथ का स्वागत करते हुए बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब भी होंगे निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी को त्रिपाठी जी हरा पाएंगे इनको, बीजेपी वालों को इस बार? जी बीजेपी को उपचुनाव में हरा पाएंगे? 10 की 10 सीटें हराएंगे, इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय सत्ता विरोधी लहर चल रही है। ठीक है, शरद जी सुना आपने, शरद जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, सत्ता विरोधी लहर 10 की 10 पर इनका दम भर रहे हैं तो? देखिए अभी मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो समन्वय बैठाएंगे, लेकिन जो कहा जाता है कि साहब जन्मपत्री शादी के पहले मिलाई जाती, शादी के बाद नहीं मिलाई जाती है। यहाँ इन्होंने पहले ही तय कर लिया कि किसकी किससे शादी होगी, जन्मपत्री वो कह रहे हैं कि बाद में मिलाएंगे। तो एक होता है कि समन्वय बैठा के आप ये तय करते हैं कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगे और तब अनाउंस किया जाता है। यहाँ पे यह है कि पहले अनाउंस हो गया है कि हम कितनी सीटें ले लेंगे, उसके बाद कितनी आपको दान में देंगे, हम उसके बाद समन्वय बैठाएंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो कौन सा समन्वय है, किस तरह का गठबंधन है, ये सिर्फ एक वोट को साधने की समस्या है। और दोनों जानते हैं
कि जिसके हक में वो वोट गया दूसरे, तो शरद जी वो वोट सद गया ना, तो फिर आपके लिए तो चैलेंज होगा ना सर, जिस वोट को ये साधना चाहते हैं गठबंधन में, तो शरद जी आपके लिए सिरदर्दी बढ़ेगी ना, कैसे पार पाएंगे ना आप? हमारे तो देखिए हमें खाली दो राज्यों में हमारी जो रणनीति सही नहीं थी, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बाकी कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या इनके साथ है कि अब की बार हमने देख लीजिए जो हमने सुधार किया था उसका कश्मीर में भी हमको फायदा हुआ और हरियाणा में भी फायदा हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी। आप 10 सीटों पर आपको पता चल जाएगा कि क्या नतीजा निकलने वाला है। अस्तित्व की यहाँ लड़ाई है, हमारी अस्तित्व की लड़ाई नहीं है कि जो जो समझौता करेगा, जो समन्वय करेगा, जो सीटें छोड़ेगा और जिसके हाथ में ये वोट जाएगा वो दूसरा समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों के अस्तित्व का सवाल है। अब ये इन दोनों को तय करना है कि किसका अस्तित्व बचाया जाए और किसका छोड़ा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना है कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, गठबंधन होगा, कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इशारा आशीष जी कह रहे हैं कि 2, वो कह रहे हैं 5, यही तो पेच है, यही तो चर्चा थी, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो 5 चाह रहे हैं, आशीष जी कह गए कि हम तो 2 ही दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस।